कथा कवि कविड़ीतम कलम शापम श्रवण मंगलम श्रीमदात भुवि गृहती ये भुरीदा ठाकुर सिक्रेट के ऊपर और महासिक्रेट बता रहे हैं जो है से हम लोग अब तक चर्चा किया जो ठाकुर भी, भी बताया अगर हम आंतरिक चाहते हैं और उसमें विश्वास करते हैं और उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं तब जरूर हमारा संकल्प वास्तव हो जाएंगे लेकिन ऐसे होता नहीं क्यों नहीं होता अभी ठाकुर बताएंगे मां सीक्रेट है अभी पहले बताया जी मैं जी से बता रहा हूं तुम्हारा अंतरांग भक्त को बता रहा हूं अभी यहां पर और कोई नहीं है आर ऑल इंटीमेट अभी कौन अंतरंग है कोई कौन बहिरंग है अभी निर्धारण कर रहे हैं ये बता रहे हैं इखे ने जारा आश बार शबेश मतलब मेरा जो अंतरंग है ठाकुर का बोलना का ही भाषा था मैं मेरा कभी नहीं बोलते थे यहाँ पर अर्थात ठाकुर के पास जो अंतरंग भक्तों का आने का बात थी वो समापन हो गया ठाकुर ने बताया कि पूर्ण इज द लास्ट मेंबर पूर्ण का नाम भी मतलब कंप्लीट एक नशे खूंटा मिले थे मानो एक हार बना रहे हैं गार्डेंड एक एक करके पुष्प गूंथ रहे हैं और लास्ट फ्लावर आ गया तो उसके साथ जो प्रांत से शुरू किया था वो प्रांत ताकि मिल जाएगा तब हार संपूर्ण हो जाएगा पूर्ण इज द लास्ट फ्लावर ईश्वर को डी थी पूर्ण के साथ ये अंतरंग का जो हार है गार्डलैंड समापन हो गया अभी अंतरंग और बहिरंग का फर्क क्या है अंतरंग है लीला सहचर भगवान जब आते हैं एक काम स्वीत इज इंटीमेट एसोसिएट्स टू हेल्प हिम इज मिशन इन लोगों सब लाए थे नरेंद्र नाथ राखाल शरद महाराज शशि महाराज गृहभक्तगण मास्टर महाशय गिरीश घोष इत्यादि रामचंद्र दत्त सबको लेके आए थे पूर्ण चंद्र घोष यह है, अंतरंग है अभी ठाकुर बोल रहे हैं ये नहीं इसके बाद कोई नहीं आएगा इसके बाद भी वहाँ पर जाएंगे तब तो दक्षिणेश्वर में जो जाएंगे उनको भी माँ बतला देंगे अर्थात ठाकुर ही बताएंगे ठाकुर के माध्यम से माँ बताएंगे यही करो क्या क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा ठाकुर उसको उपदेश दे देंगे ताकि वो ईश्वर प्राप्त कर सके क्योंकि उनको ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जो उपाय उसको भी निर्देश मिल जाएगा ठाकुर कहते हैं दे विभाजन कर दिया अर्थात दोष जो उनका वहाँ पर प्रेजेंट था वो बड़ा भाग्यशील है उनकी अंतरंग है उनके लिए विशेष संदेश ठाकुर अभी दिया था अभी बता रहे कि क्यों इन लोग इतना सहज होने के बावजूद भगवान को पुकारते नहीं एक बड़ा डिटल है सब कुछ हम जानते हैं इसी वो संगीत में बताया जानी है तुम्ही ममो जीवन श्रेतमो एमोनो धोनोवार ना ही जे तुम आश्रमो तो वो छोरा भागा छोड़ा रो ये चिकोरे पोरा फिलिय दीते हम जानते हैं आप जैसे कोई नहीं है और आप जीवन में सबसे श्रेष्ठ संपदा है तब भी हम आपको पुकार नहीं सकते हैं ये वास्तव घटना है मोस्ट हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ तो ठाकुर पूछना क्यों नहीं होता है अभी ठाकुर जो उत्तर देंगे वो बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा बिकॉज वी कैन इग्नोर दीज ग्रेट सीक्रेट्स ऑफ लाइफ हमें तो जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए ही ठाकुर आह्वान कर रहे हैं और वो प्राप्ति के रास्ते में क्या क्या प्रतिबंधकता है वो बहुत प्यार से हम लोग को समझा दे रहे हैं तो ये हमें बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा एवं उसको समझना पड़ेगा ठाकुर कहते हैं अभी कारण क्या है ईश्वर चे तार शक्ति विस्तार अर्थात महामाया ईश्वर से भी उनकी महामाया का शक्ति ज्यादा है कैसे ईश्वर तो सुप्रीम बीइंग है और महामाया तो उन्हीं का तो शक्ति है उदाहरण देते हैं जॉजेज से पियादार क्षमता बेषी था सब हंसने लगा जो जज है उसका जो चपरासी है उसको क्षमता भी आ, वो है वो ज्यादा है वो जज का नाम से बहुत कुछ ज्यादा कर लेते हैं थोड़े आते बोल आने ये देखा जाता है जो बॉस का नाम लेके और ज्यादा कुछ करवा लेते हैं सब डरता है तो जो जज है उसका ऑर्डर ली जो है एक्सरसाइज इज मोर पावर मोर अच्छा मोर मसल पावर जो तो एक, एक सीमा के भीतर करेगा पर वो नहीं करेगा वो ज़्यादा भी कर लेता है अर्थात महामाया का पावर बेसी है शक्ति ज़्यादा है ठाकुर कहते हैं ये हमें पहले समझना पड़ेगा कि हम तो भगवान को चाहते हैं लेकिन बीच में कोई शक्ति प्ले कर रहा है जो हमें ईश्वर को पाने में प्रतिबंधकता सृष्टि कर रहे हैं सामान इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल और कौन है ठाकुर बोलने वो संग महामाया है दूसरे जगह भी बताया कि खेला चल ले ही बुढ़ी आनंद सबाई जदि छुए फैले खेला है ना जो खेल चल रहा है और जो बैठे हैं जो आंख बंद करके का नामा वो वो तो आंख बंद करके सब जो बुढ़ी है उसको छूने में प्रयास कर रहे हैं बुढ़ी क्या चाहती छोटा छोटी दौड़ी दौड़ी खूब हो वो चाहते हैं उन्हें चाहते सब उसको छू ले तब खेला नहीं हो गया तो खेल को कंटिन्यू करने के लिए वो और भी इनको भ्रमित कर देते हैं ताकि क्योंकि भगवान को प्राप्त करने से ही बस उसका खेल समाप्त हो जाएगा ये बात शास्त्र में आते हैं चंडी में आते हैं भगवद गीता में आते हैं सब जगह में पुराण में आते हैं इस कारण से साधारण जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनका बुद्धि भ्रमित कर देते हैं स्वयं महामाया भगवान की शक्ति उससे हम कैसे बच सकता है वो भी निर्देश दिया हुआ है तो पहले हमें जानना पड़ेगा जो कौन ऐसी झमला करते हैं वह है शक्ति बताया ठाकुर तब तो देखते हैं चंडी में सीसी चंडी में ये बात पहले ही लिखा हुआ है सूरत राजा और समाधि वैश्य दोनों ही बड़ा दुखी होके वन में आए थे सूरत राजा उनका जो राज किंगडम खो चुका है और षडयंत्र किया है उनके पहले तो बहिषक्ति से उसके पराजित हो गया वो फिर भीतर का जो का जो रिश्तेदार है अपना है उसको हटा दिया बड़ा दुखी होके चले गए ही समाधि बिजनेस बिजनेसमैन है ही वॉज चीटेड एंड इज डिप्राइव्ड फॉर इज लेजिटिमेट राइट्स एंड इज थ्रोन अवे तो दोनों ही दुखी होकर बन में आ गया और भटकते हुए वहाँ पर मेधा ऋषि का पास कुठिन में गए और उनके निवेदन किया देखिए हम लोग की ऐसी अवस्था है हम लोग लो का क्या उपाय है बताइए तब मेधा ऋषि ने बताया इसमें आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है तुम्हारे जैसी अवस्था है क्योंकि तुम्हारा उस समय बुद्धि काम नहीं किया बुद्धि भ्रमित कर दिया और ये इज नॉट वेरी अनकॉमन फैक्टर वेरी कॉमन है तो कौन करते हैं कहते हैं ये है देवी जो प्रकृति है देवी है वो ये सब करते हैं तो प्रथम अध्याय का पचपन और छप्पन श्लोक में कहता है ना वो भी चेतांशी देवी भगवती ईसा बोलादा कृष्ण आयो मोह माया प्रजोक्षती जो साधारण व्यक्ति का क्या है ज्ञानी गण है जो विचक्षण है जिसका बोध है मैच्योरिटी है उनका भी जो चेतना है देवी क्या करते हैं बलादा कृष्ण जबरदस्त करके वो फंसा देते हैं और वो मोहग्रस्त हो जाता है देख नहीं पाता है क्या करना है क्या नहीं करना है और वो कौन है तया विश्वम जगदित चराचरम, सईशा प्रसन्ना बरदा निराम भुक्त वो साधारण कोई शक्ति नहीं है तया विसिजती श्व जगत चरा चर अचर जो विश्व जो पूरा दुनिया संसार जो दिखा जा रहा है ये वो सृष्टिकारी है प्रकृति है एवं वो सबको घुमा रहे हैं। तब कैसे बच पाओगे जो सृष्टि करती है वो सबको घुमा रहे हैं। लेकिन सही सा प्रसन्ना बरदा निनाम भगवती मुक्त अगर वो किसी कारण से उत्तुष्ट हो जाते हैं उनको प्रसन्न करने से प्रसन्न उसको तुष्टिवर्धन करने से वो मुक्ति प्रदर प्रदान करते हैं अपने हाथ से वो उसका बंधन काट देते हैं वो मुक्त हो जाता है लेकिन वो अपने आप हाँ बंधन कर नहीं काटने से कोई मुक्त नहीं हो पाएगा इट्स इम्पॉसिबल तो ये सुनकर ये समाधि वैश्य और सुरथ राजा उन्होंने बताया अच्छा ऋषि जी हमको बताइए कैसे इनको प्रसन्न किया जाए तो हम लोग भी हमारा अवस्था को परिवर्तन कर लेंगे क्योंकि इनके सिवा तो नहीं होगा ये तो सब करा है किया है हमारा अवस्था पुनः तब उनको सिखाया कि कैसे करने से कैसे पूजा करने से कैसे प्रार्थना करने से उनको प्रसन्न किया जा सकता है वही है चंडी का विवरण जो प्रार्थना क्या करना चाहिए किसे करना चाहिए वो बताया और उन लोग इसी अनुसार वो नदी तीर में बैठकर लगातार तपस किया एवं उन लोग बहुत जल्दी ही सिद्धि प्राप्त कर गए देवी जी का आविर्भाव हुआ और उनको बताया ठीक है तुम लोग क्या क्या चाहते हो बताओ तो बताया जी सूर्धरा जब बोला जी हमारा जल हमारा राज फिर जाए लेकिन वो समाधि भविष्य ज्ञानी है तो वो कहते नहीं नहीं हमें सब नहीं चाहिए हम समझ लिया ये सब से कुछ नहीं है मुझे ज्ञान दे दीजिए तो देवी जी में, तब ज्ञान हम भविष्य थी बता दिया तो सोषा प्रसन्न न बढ़ता वो अगर उनको प्रसन्न किया जाए उन लोग किया जो अचूपवास करके अपना शरीर का खून चढ़ा के सांकेतिक रूप से पूजन किया सीरियसली और पूजन करते ही देवी जी खुश हो के उनको जो जा उसका प्रार्थना था पूर्ण कर दिया लेकिन तब तक उनका बंधन के कारण वही देवी जी का ही वो बंधन से उसको फंसा दिया इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये जो महामाया है वही हमारे बंधन के कारण है यह बात भगवत गीता में भी कहा गया है श्री कृष्ण कहते हैं जिसका भी चर्चा का जरूरत है जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम सत्सत श्री राम कृष्ण मस्तु अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार